हरियाणा के राजनीति में काफ़ी यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने उलट-पुलट किया है। हरियाणा की राजनीति की बात करें तो लोकसभा उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भाजपा ने जारी कर दी है और इस लिस्ट में सांसद सुनीता दुग्गल की टिकट कट गई है, जो कि सिरसा लोकसभा क्षेत्र से सांसद थी और अब उनके स्थान पर अशोक तंवर को टिकट दे दी गई है। हरियाणा की 6 उम्मीदवारों की टिकट की घोषणा की गई है, जिसमें बंतो कटारिया अम्बाड़ा, सिरसा से अशोक तंवर, करनाल से मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर को उम्मीदवार बनाया गया है। भिवानी से जो है धर्मवीर जी सिंह और गुड़गांव से राव इंद्रजीत सिंह यादव, फरीदाबाद से किशन पाल गुजर जो है लोकसभा क्षेत्र अपने अपने क्षेत्र से उम्मीदवार बने हैं। भाजपा की दूसरी लिस्ट जो कि बेहतर उम्मीदवारों की यह लिस्ट जारी की गई और उसी के अनुसार हम आपको यह जानकारी दे रहे हैं। सिरसा लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार के तौर पर अशोक तंवर के यहाँ समर्थक हैं, वो काफ़ी खुशी मना रहे हैं क्योंकि वे आप पार्टी को छोड़कर हाल ही में ये अभी भाजपा में शामिल हुए थे और जैसे ही वे भाजपा में शामिल हुए भाजपा ने उन पर दाव खेलते हुए टिकट सिरसा लोकसभा क्षेत्र की टिकट जो है उन्हें दे दी है और सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल की टिकट कट गई है। इस तरह से जो राजनीतिक उलटपुलट हुआ है वह ऐतिहासिक है क्योंकि मंगलवार को यह काफ़ी चर्चाओं का विषय भी रहा क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जहां इस्तीफा दे दिया वहीं काफ़ी बदलाव होते हुए अनेक मंत्री भी मंत्री पद में भी बदलाव किया गया। इसी के चलते अब जो है राजनीतिक तौर पर जो बदलाव हुआ है उसी के साथ सिरसा लोकसभा क्षेत्र में जो अशोक तंवर को टिकट दिया गया है उनके समर्थकों में काफ़ी खुशी का माहौल है। जैसे ही उन्हें यह सूचना मिली कि अशोक तंवर को भाजपा द्वारा सिरसा लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है तो उनके समर्थकों में खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। भट्टूकला में जैसे यह सूचना मिली तो यहाँ पर आतिशबाजी और लड्डू का वितरण शुरू कर दिया गया, काफ़ी खुशी का इजहार किया गया। यह जो है पूरी रिपोर्ट हम आपको भट्टूकला के दिखा रहे हैं। यहाँ पर लड्डू वितरित करके नरेश बांगड़वा व जो राकेश भांबू एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे हैं। यहाँ काफ़ी संख्या में लोग एकत्रित हैं और यहाँ काफ़ी आतिशबाजी की गई, भट्टूकला में खुशी का माहौल है। वैसे भट्टूकला ही नहीं बल्कि फतेहाबाद क्षेत्र में सिरसा से भी अशोक तंवर के कई जो है समर्थक हैं और उनमें काफ़ी उत्साह का माहौल है। अब इस बारे में क्या कहते हैं उनके समर्थक, सुने उन्हीं की जुबानी। भट्टूकला में बुधवार साय यहाँ किस तरह से रौनक बनी हुई है। यहाँ अशोक तंवर को टिकट मिली है लोकसभा क्षेत्र सिरसा से। भाजपा द्वारा अभी हाल ही में जारी की गई लिस्ट में अशोक तंवर जी का नाम आया है, जिस पर यहाँ हमारे साथ यहाँ जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी चेयरमैन भंबू साहब बताइए क्या कहना चाहेंगे। आज भाजपा ने 6 लोकसभा उम्मीदवारों की घोषणा की। सिरसा से पूर्व में सांसद रहे माननीय अशोक तंवर जी को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट दिया गया है। उनको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता पर मन धन से लग करके उनको विजय बनाकर फतेहाबाद जिले में यहाँ अशोक तंवर के अनेक कार्यकर्ता है जिनमें से एक जो खास माने जाने वाले नरेश बांगड़वा जी हमारे साथ। नरेश जी क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं सिरसा लोकसभा की जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि हमें भाजपा के हाईकमान ने एक पढ़ा लिखा और अच्छा उम्मीदवार दिया है जो सिरसा को विकास के पथ पे आगे बढ़ाएंगे और प्रधानमंत्री जी की नीतियों को और आगे जनता तक पहुंचाएंगे। और तंवर जी से तो हमारा पारिवारिक रिश्ता है और ये ऐसे ही आमजन के साथ भी ऐसे ही रिश्ता उनका और आगे चलता भी रहेगा। धन्यवाद।